तुम्हारा वो जो वातावरण है ना, जिस तरह रोटी की आदत होती है ना, 9 बजे खाता आदमी, भूख ना भी हो तो 9 बजे जी करता रोटी खाने की, पहले आदत बनाओ, रोज अभ्यास नादानी करना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। 8 घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, बैठो जरूर, मन किसी वक्त नहीं भी लगता, किसी वक्त लगता भी है। जो शख्स अभ्यास छोड़ देते हैं वो होती खाते हैं, ये एक दिन का काम नहीं, मन के अंदर कितना गंध भरा हुआ आदमी को, एक दिन तो नहीं निकल जाना। बाकी रहेगा अगले साधन, मैंने 5 नाम सब 5 स्थान की किताब लिखी है, हाल में अक्टूबर में जो गया है तुमको रिसाला जबर योग, जो अधिकारी है उनको पढ़े, बहुत कुछ उनको उसमें चाहते हो जाएगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। एक दूसरी बात यह है, सबसे जरूरी चीज, अगर तुम दुनिया से करना चाहते हो, सदगुरु को या मालिक को अपने से जुदा मत समझो, बस हर वक्त ये यकीन रखो कि वो तुम्हारे साथ रहता है। जो शख्स ये समझते हैं उनका गुरु हुशियारपुर रहता है, व्यास रहता है, उनको मंदिर मकसूद पर नहीं पहुंच सकते। तुम समझते हो नहीं, वहां से आया करते हो, बात समझते हो मेरी बात नहीं, मैं तुम लोगों को आंखों में मिट्टी नहीं डालना चाहता, बच्चे पीछे से बाहर के गुरु का एहसान रह जाता है, जब समझ आ जाती है क्या आता है, माँ है बच्चे को जनती है, जब तक उसको हो स्वभाव नहीं पटना पर रखती है, मम्मा पर आती है, जब उस बच्चे को अगर आ जाती है, होश आ जाती है, फिर उसके सामने नंगी होती है माँ, जब मम्मा मुंह में देती है नहीं ना देती, ऐसे ही गुरु का हाल है, जब तक जीव अज्ञानी है गुरु भी उसको छाती दे जाता है, जब उसको समझ आ जाती है, समझो मतलब जितना लड़के को फिर माँ की कोई जरूरत नहीं, इतना चेले को गुरु की कोई जरूरत नहीं भी रहती, क्योंकि जिस गलत के लिए उसने गुरु किया था वो गुरु उसका काम पूरा हो गया, मगर जब तक वो जिंदा है उसकी ये ड्यूटी है लड़के की कि माँ की इज्जत करे, माँ का सम्मान करे, माँ की सेवा करे, और उसकी भी ड्यूटी है कि जिस रात पाल से उसको ये चीज मिली है उसकी इज्जत करे, उसका मान करे, उसकी तालीम को फैलाए। गुरु की सेवा है क्या, गुरु की तालीम को फैलाना, गुरु की सेवा पैसे देने तन देने नहीं है, गुरु की सेवा है गुरु का ज्ञान फैलाना, आप बामल होना और अपनी रैली से दूसरों को वादा पहुंचाना, मैंने ये समझ। बाकी अब तुम लोग आ जाते हो, मैं अपनी आत्मा से कई बार पूछा कर दे, खुशी तूने मकई का दाना कर लिया, सच बता तू कि ये कुछ दे सकता, ये सवाल हाँ और नहीं। जो शख्स विश्वास करते हैं उनको तो फायदा पहुंच जाता है, ये विश्वास नहीं करते उनको नहीं। मेरी जब मैं क्या ड्यूटी है, मैं सच्चे दिल से चाहता हूं दोस्तों कि जो शख्स भी मेरे पास किसी मुसीबत का मारा हुआ, दुख का मारा हुआ आता हो, मैं ये सच्चे दिल से चाहता हूं इस जीव का कल्याण हो जाए, नानक तेरे खाने शरबत का भरा, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं, शुभ भावना देता हूं लोगों को फायदा पहुंच जाता और लोगों का विश्वास काम करते। इस पिताजी में बीमार था, एक और भैसार से आकर आई चंदा लेके, 12 साल उसका बच्चा नहीं था, डॉक्टर ने उसको कहा हुआ था उसकी रेमदानी खराब है, उसके बच्चा नहीं हो सकता, वो चंदा लेके आई, मैं उस मकान में था बीमार पड़ा हुआ, तो चंदा में रखा, दुख पैसा नहीं देती, मैंने कहा बेटी मालिक कहे तेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरे मुंह से ये निकला, वो ये सोच के आई थी मैं मांगूंगी कुछ नहीं बाबे से, जो कुछ बाबा मुझे देगा मैं ले लूंगी, वो कर गई, उसने साहब को बोला मैंने दिल में बच्चे के लिए गई थी, मेरे बच्चा जरूर होगा, और उसके लड़का हुआ था 10 महीने के बाद बेचा करके निकाला, उसका बाप परसों आया हुआ था यहाँ। अब मैं सोचता हूँ क्यों वकील चंद तुमने तो उसको आशीर्वाद ये कहा था कि तेरे बच्चा हो, उसने विश्वास कर लिया कि बाबा ने कहा तेरी मनोकामना पूर्ण हो, उसकी कामना दीजिए, उसके अपने विश्वास ने उसको बच्चा दिया, मैंने कुछ नहीं किया।
अब साल बयानी करने से मुझ पर गुरु बनने का कोई पाप नहीं है, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेम नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग आए हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आपको सबसे पहले सेहत मिले, उसके साथ तुमको रोटी खाने को मिले। मैं गृहस्थी को नहीं चाहता तुम राम मिले, मैं चाहना गृहस्थी हूँ पहले उसकी सेहत मिले, उन्हें रोटी खाने मिले, फिर उसे मन में शांति मिले। रब ने याद किस वास्ते करता, शांति वास्ते करता है ना आदमी, और कहने वास्ते करता। तो तुम लोग आए हो, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ दादा आपने मुझे काम दिया था, मुझे पता नहीं मैंने जो काम किया ठीक किया है जो गलत किया। आपने कहा था थोड़ा बच्चों तालीम बदलाना, मैंने जो अंदर किया दाता वो कहा, बुरा हूं फला हूं जैसा भी हूं मेरी नियत साफ, बस आप सबको राजा स्वामी आरती कर लो। प्यारे सज्जनों, इस कैसेट के आगे एक और सत्संग का हिस्सा सुनिए। गुरु रूप से अब वो जो आदमी आया ना, उसने मुझे क्या ज्ञान मिला? वो जो आदमी जिसका नुकसान हो गया वो मेरा गुरु निकला, कैसे निकला? मैं सोचता हूँ कि इतनी भक्ति करने वाला, श्रद्धा करने वाले का भी नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जो जो कर्म किसी ने किए हुए होते हैं वो नाश को नहीं हो सकते। संत हो, परम संत हो, योगी हो, महात्मा हो, जो जो कर्म उन्होंने किए हुए हैं उनका फल उनको अवश्य में भुगतना पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर गुरु ज्ञान में जाए तो कर्म तो भुगतना पड़ेगा, मगर उसमें वो दुख और सुख नहीं मनाएगा, बस इतना ही फर्क है गुरु मत में। क्या कहा मैंने? आप लोग आते हैं ध्यान से मेरी बात को सुना करो, विचार करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर यूं ही रश्मि तौर से आते हो तो मेरा भी सिर खाते हो, अपने गलत बात को किस बात से आते हो? आप समझे मेरा मन? तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि ऐ इंसान, तू अगर ये चाहता है कि राम राम को भक्ति करने से या परमात्मा को याद करने से जो तुमने कर्म किए हुए कट जाएंगे, जो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरी समझ में आया। क्योंकि मुझे दाता ने कहा तालीम बदल जाए, इस बात से मैं कहता हूँ इंसान राम राम बिशक कम जप, अपनी नीयत को साफ रख। तीर जब कमान से निकल जाता है फिर उसके बस में नहीं जाता, तुमने गोली चला दी, गोली निकल गई, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे मन के अंदर से जिस किस्म के ख्याल निकलते हैं, अच्छे या बुरे, वो तो निकल गए, अब तुम्हारे बस में क्या है? वो एटमॉस्फियर में रहेंगे। जो हम विचार करते हैं, हम ख्याल करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से किसी का बुरा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नेकी करते हैं, वो ऐसे ही है कि तीर कमान से निकल गया, वो तो ख्याल निकल गया, वो ब्रह्मांड में मौजूद है, उसके आधार से तुम कैसे बचे, तुम कैसे बचोगे, दूसरे कैसे बचेंगे? क्या कहा? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इस बात को भूल जाए इंसान, ऐ वकील जान तुमको कहता हूँ बेईमान, इनको क्या कहता, मैं अपने आप को कहता हूँ, तुम्हारी संगत से क्या मुझे मिला? ये ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि भाई भक्ति करने वाले को, समाधियां लगाने वाले को भी जो उसने कर्म किए हुए थे उसकी उसकी सजा उनको मिली, मिली कि ना मिली? बड़े बड़े ऋषियों को मिली, बड़ी बड़ी भक्तियों को मिली। तो फिर भाई क्यों मिली? क्योंकि हमारे अंदर से जो ख्यालात विचार निकलते हैं, अच्छे या बुरे, मादा जाया नहीं होता, साइंस साबित करती है, ये इस ब्रह्मांड में रहते और उनका ही अक्षण हम पर होता है। तीर कमान से निकल गया,
फिर अगर तुम ये चाहो कि तीर तुम्हें फेंका किसी पर असर न करे, तुम्हारे पास की बात नहीं। जो है नफरत, द्वेष, बुगल, हसद, कीना, वैर, प्रेम, मोहब्बत, ये जब तुम्हारे मन से निकल गया वो तो रहेगा आत्माएं के ऊपर और तुम पर उसका असर होगा। न्यूटन की थ्योरी साबित करती है, तुम अपना हाथ हिलाओ तुम्हारे हाथ की हरकत सितारों तक जाती है, फिर वहीं आती है जहां झाँकी निकली। ये अस्थूल पदार्थ की हरकत है, हमारे मन से ख्याल निकलता है, जिसके अंतर से निकलता है वो आसमान पर जाता है, उसके रिएक्शन हमारे पर होता है और हमको उसकी सजा मिल। अगर हम इस चोरे में नहीं भी है, जिस दूसरे चोरे में होंगे वहां उसका रिएक्शन आएगा। ये साइंस है, वो करामात नहीं है। हम सोचते जो है, तुम सोचो, तुम जो सोचो इसका कोई नतीजा नहीं है, तुम भूल में हो। हमारे ख्याल का नतीजा है, सुपने का ख्याल का नतीजा है कि नहीं? सुपने का ख्याल का नतीजा है। सुपने में तुम मर्द जनानी बना लेते हो, है तो वो ख्याल ही, ख्याल ही बनी हुई है जनानी, तुम्हारा बीज निकल जाता है। तो जो कुछ हम सोचते हैं तो उससे मुझे आज ये शौक मिला, जब मैं आ रहा था मैंने सोचा अभी ये शख्स मेरे साथ आता था, मैं तो अपने आप को साफ रख लूंगा, मैं किसी को देता कुछ नहीं, तुम्हारा अपना मुझे। मैं कहता हूँ उसका अपने विश्वास नहीं, उसकी चोरी को चोरी क्यों कराई? अच्छा आदमी था, नेक था, प्रेमी था। मुझे साबित हुआ कि जो कुछ हम लोगों ने कर्म किए हुए हैं उसके बल से बच जाओ, बच नहीं सकते। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? गुरु की संगत करनी चाहिए। किस गुरु की? जो खुद महल में राज है। साइंस ने साबित कर दिया कि मादा जाया नहीं होता। तो जो कुछ हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इस कारण से तभी तो मैं कहता हूँ कि मुल्क में तबाही आएगी। इस इलम के आधार पर मैं कहता हूँ तबाही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आगे तो हमारे अपने घरों में था ना फायदा, घरों में दिखने, अब क्या है? इस पॉलिटिकल पार्टियों ने तमाम दुनिया का माहौल गंदा कर दिया है। हर आदमी के अंदर में नफरत, द्वेष, बोझ, हसद, अपनी अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी अपनी जायदादों के लिए। इसका असर से बचेगा कौन? इसलिए मैं प्रेरित करता हूँ कि दवाई आएगी, कोई रोक नहीं, आ रही है। हर जगह देखो, कोई मुल्क जहाँ जहाँ शांति है, किसी मुल्क में देखो, इस मौजूदा सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ने तो दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते हैं इन्होंने अच्छा किया, मैंने कहा इन्होंने इतना बुरा किया कि कोई सिस्टम ऑफ हद बुरा। ये मैं आवाज देता हूँ, मुझे मेरी आवाज सुनता कौन है? तो कर्म के फल से कोई बात नहीं सकता। हम जो कुछ सोचते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये आसमान में रहेगा। तुम बोलते हो यही वहां रहेगा। हम जो कुछ सोचते हैं ये ब्रह्मांड में रहेगा। जब से ये ज्ञान हुआ मेरी ज्ञान क्रांति है, समय समय से पैसे था। मुझे दाता ने कहा था, आज तक हराम बल्कि मखराम, ये पाए तुरा जान हजार, आहिस्ता चल बल्कि मत चल कि तेरे पाँव के इनके हजारों जाए। वो चलने क्या मतलब है? ऐसा ख्याल कर, बुरा ख्याल न कर। अगर तू बुरा ख्याल करेगा दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। तो जो आदमी गंदा है वो किसी का नुकसान न पहुंचाए, उसके अंदर से जो गंदगी निकलती है वो भी एटमॉस्फेयर में रहती है। वो किसी को कहे कुछ ना, मगर वो जैसा है वो उसकी अफराद वहां रहेंगे। जहां जहां वो जाएगा वहां का एटमॉस्फेयर खराब कर जाएगा। ये बता देता हूं आप, ये साइंस है, इसको रोक कौन सकता है? आगे मुख्य साधन संग सत पायार शेष है समझ गान, इससे सूझेगी परम गति सदगति की चाल सब। इस दुनिया में जो कुछ है संग, अब बच्चा पैदा होता है
अगर उसको माँ बाप भाई उसके साथ बातें ना करें, उसके साथ खेले नहीं, तो वो अकल सीखेगा नहीं सीखेगा। हम सब दूसरे के संस्कारों से के लिए मौजूद हैं। संघ का दोष जो संघ के बगैर जो कोई रह नहीं सकता, तो अच्छी संगत मिलोगे, अच्छे ख्याल करोगे, अच्छे विचार करोगे, तब तुम्हारा फायदा। यही कहते कर्म प्रधान ये सब दुनिया ने कर्म तो मैंने समझा हुआ झंडा मारना, ये हाथ रहा कर्म है। कर्म की जड़ वासना में है, जैसी हमारी नीयत है वैसी हमारी मुराद है। आगे आगे ने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गमा, जिसने भी पाया छोटा बच्चे ने जो कुछ मिला उसको संग से मिला, अच्छी बातें सीखी संग से सीखी, बुरी सीखी संग से सीखी, तो संग के सत्संग जो है ये संतों के मार्ग का, वो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने, खुशहाल बनाने और पवसागर से पार करने के लिए, तो सत्संग से ये मिलता। आगे बढ़ो। जिसने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गमा, अब ज्ञान क्या पाया, मैंने क्या ज्ञान पाया, भक्ति क्या पाई, भक्ति किसी कहते हैं, सहारे की, गुरु की भक्ति होनी चाहिए। गुरु है वाक, जो उसने वचन कहे हैं उन जो उसने समझ दिया है, जो उसने हुक्म दिया उस हुक्म को पालन करना ही भक्ति है। ये जो हम मत्था देखते हैं ये हमारी कमजोरी है। जब हम किसी आगे गड़गड़ाते हैं ना, मत्था देखते हैं गड़गड़ाते हैं, आए मैं पाप, ये हमारी कमजोरी है। असली भक्ति क्या है, गुरु ने जो बात तुमको कह दी समझ में आ गई उसके ऊपर चलना असली गुरु भक्ति है। ज्ञान भक्ति, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, कहाँ से आया हूँ, कैसे जीना है, ये मैंने समझा। और कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, तो इसलिए गुरु की महिमा का क्या फायदा है कि उसके हमें समझ आ जाती है, हम आइंदा बुरे कर्म नहीं करते। और पिछले जो किए हुए होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पिछले किए हुए हैं, हम खुशी से भोग लेते हैं, हमको दुख नहीं होता, इतना ही भेद है और कुछ नहीं। आगे कुछ दिनों संगत हो कुछ दिन नाम कुछ दिन मुक्त गति, इसके पीछे पद है सत का सत की रीति पाल सब। कुछ दिनों सत्संग हो, बात समझ में आ जाए, फिर अभ्यास कर लो, फिर जिंदगी खुशी से गुजारो। अब मुझे पता लग गया ना तुम्हारी वजह से कि भाई मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो अब मैं मजबूर हूँ, मन को छोड़ जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, प्रकाश में शब्द, प्रकाश और शब्द जो है यही सतपद है, यही सतपद है। और सतपद मेरे समझ में कुछ नहीं आया, होगा राजा स्वामियों का कोई संतों का कोई और सतपद मुझे नहीं पता। प्रकाश और शब्द की जो कंडीशन हमारे अंतर है उसका नाम मैं सतपद समझता हूँ, अगर कोई और सतपद है मुझे पता नहीं। आगे अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग, राधा स्वामी संग कर दे काट अब जंजाल सब। अर्थ कोई अर्थ कहते हैं किसी मकसद को, जो ख्वाहिश है सत्संग में जाओ उसकी हासिल करने का तरीका मिल जाए, ऐसे काम करो ऐसे काम करो, दुनियावी चीज के देगी परमार्थी की भी ऐसे करो, टाइम मकसद जिंदगी का है उसके हासिल करने के लिए दूसरा महापुरुष जिस लाइन का हो, खा बिजनेस का हो, खा साइंस का हो या परमार्थ का हो, वो उसको तरकीब बता देता है, वो तरकीब बताने में जो चलता है वो धर्म है। अर्थ धर्म आगे क्या है, अर्थ धर्म अर काम मुक्ति की है कुंजी।
ये सत का संग। अब सत्संग में तुम समझ गए ना, सत के संग में ये तो रूहानी दुनिया का है ना। दुनिया के कारोबार में भी आपको बगैर किसी आप इंजीनियर के पास कर दिया, मगर कोई ना कोई इंजीनियर तुमको बताएगा भाई इसे नहीं ऐसे करो। तो बगैर संघ के हमारी दुनिया नहीं बनती है ना परमार्थ बनता है। तो आज का सत्संग जो मैंने आपको बताया था वो ये बता दिया, आपको नहीं बताया, अपने आप को समझाता हूँ कभी जन समझ समझ कर क्या देंगे। ऐसा ख्याल मत सोच जिससे तू दूसरों का नुकसान समझता है, अपनी जात के लिए बस ये मैंने समझा। आप लोग आ जाते हैं, आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ। इतना झगड़ा जिंदगी का है, ये सारे का सारा हमारे मन का है। जितना झगड़ा है हमारा, दुख सुख नेकी बदी पाप सब हमारे मन का है। अगर कोई शख्स मन को काबू कर ले, मन पर सवारी कर ले, तो उसके सारे जिंदगी के दुख दूर हो सकते हैं। और जब तक इंसान मन से परे नहीं जाता, वो लाख कोशिश करे, लाख कर्म करे, लाख कर्म करे, दुख सुख से वो बच नहीं सकता। इंसान के ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। हमारा मन ही हमारा रक्षक है और मन ही हमारा पक्षक है। जहां मैं पहुंचा हूं आपको तो वहां पहुंचने की जरूरत नहीं। जहां मैं पहुंचा हूं मेरा जाति अनुभव है, वहां तक आपको तो जरूरत नहीं ना। वहां तो वो जाए जो जिंदा बनना चाहता है, जो अपनी जिंदगी को जहाँ मारे वो जहाँ जाए। आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको आप जो कुछ है तुम्हारा अपना मन है। जो शख्स इस मन को काबू कर लेता है वो इस दुनिया में कामयाब होता है। तो मन मैंने ये समझा, आप लोग कैसे मन को काबू करें मैं नहीं समझता। मन को काबू करना कोई आसान नहीं है, और शायद ये काबू होता भी नहीं, ना मन कभी मरता है। सिर्फ मन को ऐसी जगह ले जाओ जो जिस्म से और इस जगह से ऊपर ले जाओ। जब तक मन इस जगह से ऊपर नहीं जाएगा, ये अपना अच्छा या बुरा केंद्र जरूर करता रहेगा। इस वास्ते ये साधन और अभ्यास किया जाता है कि एक शब्द निकालो साधो ये मन है बड़ा साधन। जब मैंने समझा कि मैं कैसे ऊपर गया, यही कबीर ने कहा है, साधो ये मन है बड़ा जालिम, जिसको इससे वह पड़ा है जिसको ही है मालूम। तो क्या कहते हैं, मन कारण जो छाया उपजी, चाहे छाया में अटके, निर्गुण सरगुण मन की बाजी खड़े से आने पटके। ये कबीर साहब वो कहता है, कोई शख्स किसी भी हालत में भी मन से बाहर नहीं जा सकता जब तक जो कुछ उसको ये ज्ञान नहीं कि जो कुछ उसके मन के अंदर पूर्णा पूर्ति है ये कल्पित है नहीं। लाख से पटक के मर जाए कोई, बिल्कुल उसको मन काबू में नहीं आएगा। तो दुनिया व्यवहार के लिए क्या है जो मैं समझा, इस मन को जो कुछ चाहती हो वो चाह रख के अपने दिल में रख के मन को इकट्ठा किया करो। मन को यहाँ स्मरण करके या ध्यान करके इकट्ठा किया करो, और जो चाह तुम चीज चाहती हो उसकी अपने अंदर खास रखो, वो तुम्हारे काम दुनिया के अपने जाति हो जाएंगे, दुनिया के नहीं। ये बात होती है, तुम अगर ये ध्यान करो पुत्र के लिए, ये अपने लिए जो कुछ तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा। ध्यान क्या करो बस गृहस्थियों के लिए मैं ये पैगाम लाया हूँ, मेरा होता है अपना तजर्बा है। इस वास्ते आपको कहता हूँ कि आप अनामी धाम या धाम या वहाँ जाके क्या करोगे, ना तुमको जरूरत है। तुमको जो दुनिया की खबरों की जरूरत है, दुनिया चाहते हो, इसलिए एक रूप बना लो, उस रूप को पूरा मान लो,
अपने मन के अंदर उसका ध्यान किया करो, उससे क्या होगा, तुम्हारी वृत्ति जो है ये बलवान हो जाएगी। जो मांगोगे, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में इच्छा होगी वो पूरी होगी। अगर ना हो तो मैं चाहूंगा ये जिंदगी हमारी का कामयाबी के ना होने का कारण क्या है, हम एक जगह ठहरते नहीं। आज हमारे दिन में ये खा या कर दो, दूसरी या पर दो, तीसरी या चौथी चौथी इस वास्ते एक ऐसा देता तुझे। आप दुनिया ला रहे, आपको मैं प्रण किया था, अब कह जाता हूँ, ध्यान किया करो, जो मांगते हो अपने लिए मांगो, मिल जाएगा, मिलता है। अगर वो साधन नहीं बनता तो इसका मतलब यह है कि वो तेरे कर्म में नहीं, वरना ध्यान करने वाला जो कुछ चाहे वो ले सकता है, ध्यान में से सकता है। तो मगर जब ध्यान करते हो तो इतना किया करो कि किसी का बुरा मत चाह करो, वरना तुम्हारा भी बुरा हो जाएगा। अगर तांत्रिक वाले क्या करते हैं, अभी गुण करते हैं नहीं करते हैं, वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अमल करना सीखो, सुबह शाम जरूर बैठ के मन को याद इकट्ठा करके रूप बनाया करो। मैं नहीं कहता तुम राया स्वामी में हो जाओ या सिख, जिस मजहब के हो, जिस पंथ के हो, जहाँ तुम्हारा विश्वास है उसके मुताबिक अपने अंदर करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, दुनिया तुम्हारी बन जाएगी। अगर सच पूछो तो अगर परमार्थ चाहते हो तब भी यहाँ ध्यान करके परमार्थ की चाह रखते हो तब परमार्थ बन जाएगा। यह है कुंजी, मन ही तुम्हारा साथी है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो फिर भी तुमको यहाँ ध्यान इसको बोलते स्वीकृति, फिर भी तुमको स्वीकृति में जाना पड़ेगा। और जैसा ख्याल तुम्हारा है, मैंने ख्याल सोचा था अपने साथ जाने का, मैं वहां पहुंच गया, जो मैंने ख्याल किया मैं मेरा पूरा हो गया। अब ये फंसा हुआ हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, चल रहा है, फिर नहीं क्यों मैं जा रहा हूँ, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा, वो जो मैंने सोचा हुआ था अपना अनुभव क्या जाऊंगा, वो मैं कर्म काटता हूँ। उस दाता दयाल ने कहा था तारीख को बदल जाना, तुझे पर कोई आसान नहीं, जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल, दाता दयाल कहिए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मती वैसी गति, जैसी करनी वैसी करनी। तो तुम आया, तुमको एक बात, तुम गृहस्थी हो, कई तकलीफें आती हैं गृहस्थियों को, तरह तरह की आती हैं। अकेले बैठो, यहाँ ध्यान करो, अपने अंतर में सच्चे दिल से मांगो, मिल जाएगा। मेरी अजमाई हुई है, लोग अजमाते हैं, सुबह उठो, नाव धो, मूर्ति बनाओ, मन में नाम की माला का स्मरण करो, अच्छे ख्याल रखो, सारा दिन काम करो, रात को सोते हो, फिर मूर्ति बनाओ, जो गलतियां दिन में तुमने गलत की हैं उनको सोचो और दूसरे दिन उनको काम बंद करने की कोशिश करो। अगर तुम इस तरह से 6 महीने या 4 महीने अपने मन को वाक करते रहोगे, तुम संतों के भी बाप हो जाओगे। मन को सोचना चाहिए कि क्या कुछ सोचता रहता है सारा दिन, हमने क्या कुछ सारा दिन सोचा, सारा दिन हम चलते हैं ना, तुम भी रहते हो, किसी का अलर्ट, किसी को रहते, अगर किसी कुछ तो हम उसकी परवाह नहीं करते, तो बुराइयां बढ़ती जाती हैं। तो जो शख्स रात को सोते वक्त एकांत में बैठ के सोचता आज मैंने क्या क्या किसी को कुछ खराबी तो नहीं की, अगर की है तो फिर दूसरे दिन उसको बताने की कोशिश करो। इस तरह से अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा, वरना बेशक सत्संगों में आते रहो जाते रहो कुछ फायदा नहीं। बधेरे सत्संग होते हैं, लोग सत्संग में जाते हैं, क्या बन गया, दुनिया नहीं बनी। सत्संग में जाने से अगर जीवन ही नहीं बदलता तो सत्संग में किस लिए जाते हो, क्या फायदा जाने का, तो जीवन कैसे बदलेगा। बाप गुरु की जो हैसियत करता है उसकी बात उस पर अमल करने से तुम्हारा जीवन बदलेगा। बस राधा चरण शरण की जय, चरण शरण की वंदना नित कोई और ना काम, गुरु वसा चेत आए मे
शरणागत हुआ जब किस की राखुआ आस तो तेरी दया की जग से रूप ध्यान नाम गाऊं शब्द राता मन आठों नाम तेरा ही सुमरन भाग मेरा धन शेष पर निज कर कमल धर लिया चरण लगा पतते पापी तर गया गुरु शरण तेरिया मुक्त के नहीं चाह मन में भक्त प्यारी ला राधा स्वामी की दया से भाग्यपूर मुक्त के नहीं जा